पूरा देश अपने सबसे प्रिय नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। अपने अनोखे अंदाज और हाजिर जवाबी के कारण पक्ष ही नहीं विपक्ष भी उनके कायल हुआ करते थे। हिंदुस्तान को वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत देश के रूप में खड़ा करने का सपना वाजपेयी ने देखा था। ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है, जो 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 काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। आपको पता होगा कि अटल जी के नाम कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी दूसरे प्रधानमंत्री को हासिल नहीं। नमस्कार, मैं मेनका सिंह, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। आज पुण्यतिथि पर अटल जी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। पीएम मोदी ने भी वाजपेयी के खास अंदाज को याद करते हुए कहा कि जब अटल जी भाषण देते थे तो बीच में कुछ सेकंड के लिए ठहर जाते थे, यही मौन उनके भाषण की ताकत थी और यह मौन देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को उनकी बात समझा देता था। पीएम मोदी ने अपने एक संदेश में कहा कि अटल जी के योगदान को यह देश कभी नहीं भुला सकता। आज पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। आपको पता होगा कि अटल जी हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे। संघ के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1957 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा पहुंचे और यहीं से वाजपेयी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और वे लगातार 20 वर्षों तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। वाजपेयी मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे और विदेश में भारत की अमिट छवि बनी। 1980 में वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की का दायित्व भी उन्हें दिया गया। वाजपेयी राजग सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण उन्हें विश्व पितामह भी कहा जाता था। 1905 में वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और 16 अगस्त 1918 को एक लंबी बीमारी के बाद एम्स में उनका निधन हो गया और देश ने अपने एक महत्वपूर्ण नेता को खो दिया। अगर आपको राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क की वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना।